अच्छा हुआ अंजना का रक्त बहना बंद हो गया। रक्त बहना बंद नहीं हुआ है मूर्ख, अब इसका रक्त पिशाच पी रहे हैं। हम सदा ही रक्त के प्यासे रहते हैं, अब मैं भी इसका रक्त पीऊंगी। अंजना, 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 शेष प्रहार से देखता हूं तू कैसे बच पाता है। ये यज्ञ तो अंतिम चरण में पहुंच गया, ना जाने पिशाच राज कहां है। यज्ञ संपन्न हुआ। अग्निदेव को प्रणाम करके यज्ञदेव का आशीर्वाद लें। इधर यज्ञ संपन्न होने से प्रभु राम का युवराज पद निष्कंटक हो गया, उधर हनुमान पिशाच वीर बनने जा रहे हैं। महाबलशाली धीरवान महावीरम महादिव्यरूपम अतिविकट महास्वरूपम गदाधर महाबल सुधीरम जय 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 हनुमत पिशाच मोचनम। हेम शैलाभुदेहम मनोहरम तुम भूत पिशाचों के पावन स्वामी हनुमान, मुक्ति प्रदाता ज्ञान गुण दाता शक्ति निधानम, जय 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 हनुमत पिशाच मोचनम। हे
स्त्री, ये सारे पिशाच अंजना का और तुम्हारे इस प्रजा का लहू पी लेंगे। तब तुम्हारे उस दुष्ट पुत्र को ज्ञात होगा कि हम पिशाचों के कार्य में हस्तक्षेप करने का अर्थ क्या होता है। बुलाओ अपने उस पुत्र को, वो स्वयं देख लेगा कि पिशाचों से शत्रुता करने का अर्थ क्या होता है। क्षमा क्षमा कर दो हनुमान। विनाश के लिए तुमने ये सब किया और आज अपने अंत को देखकर तुम उन्हीं का नाम ले रहे हो। तुम जैसे पापियों के हृदय में प्रभु राम का नाम नहीं हो सकता। महाबली हनुमान, रुक क्यों गए? प्रभु, आपके नाम ने मुझे रोक लिया है, अन्यथा आपको कष्ट पहुंचाने के दंड के स्वरूप अब तक इसका अंत हो गया होता। छोड़ दो हनुमान, मुझसे भूल हुई जो मैं लंकेश रावण की बातों में आकर ये सब कर बैठा। मेरा नाम लेने के कारण हनुमान ने तुम्हें जीवन दान दिया है, तो अब से तुम्हें भी वचन देना होगा पिशाचराज कि अब से जो भी महावीर हनुमान का नाम लेगा उसके निकट कोई भूत पिशाच नहीं आएगा और ना ही। अब आप जब नाम सुनावे सब लोग पिशाचों के प्रभाव में हो। यदि तुम हनुमान का नाम लोगे तो तुम्हारे ऊपर से पिशाचों का प्रभाव हट जाएगा। हनुमान, हनुमान, हनुमान का नाम लो। हनुमान, जो करता हनुमत का ध्यान उस पर कृपा करे प्रभु राम। तीन लोक का करते मंगल हनुमत हरते कष्ट सकल। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मेरे प्रिय अयोध्या वासियों, आज निहर्ति इस निरिति यज्ञ की सफलता से ही मेरे प्रभु राम जी का युवराज बनना जुड़ा हुआ था। और वैसे भी मुझे देवर्षि नारद ने सीख दी थी कि किसी भी समस्या से पूर्णतः बाहर पाना है तो उस समस्या के मूल को ही समाप्त कर दो। इसीलिए मैंने पिशाच राज को अपना लक्ष्य बनाया और आप सबको उन पिशाचों के आतंक से मुक्ति मिल गई।
महाराज, आसपास के राज्यों से सूचना प्राप्त हुई है कि उन्हें पिशाचों के आतंक से मुक्ति मिल गई है और सुमेरु से भी यही सूचना प्राप्त हुई है। देवर्षि नारद जी ने जो कहा था वो सत्य ही था। मेरे सुमेरु से भी पिशाचों का आतंक समाप्त हो गया है। हाँ हनुमान, तुम्हारे सूझबूझ के कारण अनेक राज्य पिशाचों के संकट से मुक्त हो गए। ये वानर है बड़ा चतुर, इसी के कारण मेरे किए कराए पर पानी फिर गया है। हनुमान, तुम्हारा बुद्धि चातुर्य और पराक्रम के साथ साथ संस्कार भी प्रशंसनीय है जो तुम्हारी माता ने तुम्हें दिया है। यह शाश्वत सत्य है कि यदि जगत में एक मां चाहे तो अच्छे संस्कार दे करके अपने पुत्र को हनुमान बना सकती है। सत्य वचन गुरुदेव, हर संतान की माता ही प्रथम गुरु होती है। राजन, यज्ञ की सफलता के साथ ही अब राजकुमार राम के युवराज पद का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। मेरी गणना के अनुसार युवराज पद के अभिषेक के लिए कल की तिथि सर्वथा उपयुक्त है। राम भले ही हो जाए तुम्हारा अभिषेक, किंतु मैं चुप नहीं बैठूंगी। मंत्री जी। जी महाराज। पूर्ण भव्यता एवं वैभव के साथ इस अभिषेक समारोह का आयोजन होगा। संपूर्ण नगर में प्रजा के लिए घोषणा करा दीजिए कि उनके प्रिय राजकुमार राम का अभिषेक है। आप समस्त मंत्रिमंडल के साथ इस समारोह की व्यवस्था प्रारंभ कर दीजिए। अवश्य महाराज। राम भैया युवराज बनेंगे और मैं बनूंगा इनका प्रधान अंगरक्षक। मैं भैया पर कभी भी कोई संकट नहीं आने दूंगा और मैं राम भैया का प्रधान सचिव बनूंगा। और हनुमान तो प्रभु राम का सेवक है और सेवक तो राम काज के लिए सदैव प्रस्तुत रहेगा। और भरत भैया आप क्या बनोगे? राजा की कीर्ति चारों ओर विस्तारित करने में राज्य की सुधीर सेना और सेनापति का योगदान प्रमुख होता है। यदि भैया मुझे योग्य समझे तो मैं भैया का सेनापति बनना चाहूँगा। भरत, लखन, शत्रुघ्न, तुम सब मेरे जीवन दीप की ज्योति हो। तुम सबके साथ मेरा जीवन सदैव आलोकित रहेगा।
हनुमान, तुम्हें ही तो मेरी जीवन दीप की ज्योति को आंधियों से बचाना है।